हेलो स्टूडेंट, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा सात भूगोल इसका वीडियो कक्षा सात पार्ट भूगोल का अध्याय दो है हमारी पृथ्वी के अंदर। अध्याय दो का अध्ययन करेंगे जो जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है, कैसे है, इसके अंदर का भूभाग कैसा है, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की भूमिका में हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर भी परिवर्तन होता रहता है और बाहर भी हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये हमारी पृथ्वी है और आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अंडाकार है, अंडाकार है और यह एक ग्रह है, गतिशील ग्रह है जो हमेशा घूमती रहती है और इसके अंदर और बाहर हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्य रूप से तीन परतें, पाई जाती हैं। एक है सीएल, दूसरा है सीमे, तीसरा है निफे। सीएल को सियाल भी कहते हैं, जिस जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपरपटी, इसी में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक रहती है, इसी को क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं। इसके बाद दूसरी परत सीमा या सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरी परत है निफे, इसमें निकिल और फेरस की मात्रा पाई जाती है। इसमें कौन सी मात्रा? निकिल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इन तीन परतों से मिलकर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ भूगर्भ शास्त्री ये भी मानते हैं कि पृथ्वी की जो तीन परतें हैं वो ये हैं, जिसे सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, दूसरी जो बीच वाली परत है उसे मैंटल कहते हैं और सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी की मुख्य रूप से तीन परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है, अधिक होती है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और निफिल में निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। आगे हम देखते हैं खनिज, सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को, खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की भूपरपटी जो बनाने वाले, पृथ्वी की जो ऊपरी परत को बनाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। उसकी किसी भी भूपरपटी पर स्थित जो भूपरपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है औषधि सेल और तीसरा है कायांतरिक सेल। यह तीन प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा औषधि सेल और तीसरा कायांतरिक सेल। अब देखते हैं कि आग्नेय सेल, आग्नेय सेल क्या होता है? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठोस का रूप धारण कर लेता है, तो उसे प्राथमिक या आग्नेय सेल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक या आग्नेय। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस का रूप धारण कर लेता है तो उसे प्राथमिक या आग्नेय सेल कहते हैं। वास्तव में आग्नेय जो सेल होती है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है अंतर्भेदी सेल, दूसरा है बहिर्भेदी।
अंतर्भेदी आग्नेय शैल और दूसरा है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। देखिए जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, जब द्रवित मैग्मा कभी कभी इस पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जैसे उदाहरण है ग्रेनाइट, जैसे उदाहरण क्या है ग्रेनाइट, यानी कि अंतर्भेदी शैल में जब द्रवित मैग्मा कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब द्रवित मैग्मा क्या होता है भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है क्या, जैसे ग्रेनाइट। अगला हम देखते हैं बहिर्भेदी। द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जब आ जाता है, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस का रूप धारण कर लेता है, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठोस का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, बहिर्भेदी शैल। उसे क्या कहेंगे, बहिर्भेदी शैल। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। इसका उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। आगे हम देखते हैं दूसरा बिंदु आग्नेय शैल में। हमने देखा अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। अंतर्भेदी शैल जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा ठंडा होकर ठोस का रूप धारण कर ले अंदर ही तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्भेदी। जब द्रवित मैग्मा बाहर पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस का रूप धारण कर लेता है तो उसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं। अगला हम देखते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल छोटे कण या अवसाद जब दब कर, जब छोटे कण या अवसाद दब कर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं तो उसे अवसादी शैल कहते हैं। जब छोटे छोटे कण या अवसाद जो होते हैं वो दब कर एवं कठोर होकर एक शैल की परत का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर और रेत। बलुआ पत्थर और रेत। अगला क्वेश्चन, अगला आगे देखते हैं कायांतरित शैल। कायांतरित शैल किसे कहते हैं, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण, आग्नेय शैल और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैल किस में परिवर्तित, कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कायांतरित शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर आदि। अगला क्या कह रहा है, शैल का उपयोग। देखिए शैलों का उपयोग मानव जीवन में बहुत प्रकार से किया जाता है। जैसे शैलों के उपयोग में व्यक्ति कठोर शैलों का सड़क बनाता है और घरों को बनाने में कठोर शैलों का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार से मानव जीवन में शैलों का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। अगला है कि शैल चक्र। शैल चक्र एक शैल का दूसरे शैल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, शैल चक्र कहलाता है। शैल चक्र यानी चक्रीय गति, एक शैल का दूसरे शैल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, शैल चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय दो का वीडियो देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर जितने भी बिंदु थे अध्याय दो में आपके सब इस वीडियो के माध्यम से बता दिए गए।